प्रिंटिंग वैल्यूज ऑफ द वेरिएबल्स और एनीथिंग थ्रू प्रिंट मेथड, या प्रिंट मेथड को किस तरीके से यूज करना है, हाउ टू यूज प्रिंट मेथड। ओके, सो मैं एक एग्जांपल ले रहा हूँ। इंटीजर ए और बी मेरे दो वेरिएबल हैं। ए को मैं वैल्यू असाइन कर रहा हूँ 120 और बी वेरिएबल को वैल्यू असाइन कर रहे हैं फॉर एग्जाम्पल 900। मैं इन वेरिएबल्स की वैल्यूज को डिस्प्ले करना चाह रहा हूँ, तो आपके पास जावा में एक ही फंक्शन है, दैट इज प्रिंट मेथड और फंक्शन। जावा में फंक्शंस को मेथड कहा जाता है। ओके, तो सेपरेटली मुझे ए की वैल्यू डिस्प्ले करनी होगी। ओके, और फिर मुझे क्या करना होगा, सेपरेटली मुझे क्या करना होगा, बी की वैल्यू को मुझे डिस्प्ले करना होगा। ओके, इसे एग्जीक्यूट करके आउटपुट क्या होगा, सो आपको आउटपुट दिखाई दे रहा है 120 देन 900। सो ए का वैल्यू डिस्प्ले हुआ है और फिर बाद में उसका जो बी का वैल्यू है वो भी डिस्प्ले हुआ है। लेकिन फॉर एग्जांपल मैं चाहता हूं कि एक ही सिंगल स्टेटमेंट से दोनों ही वेरिएबल के वैल्यू को डिस्प्ले करना है, तो उस केस में क्या बदलाव होगा। तो यहाँ ए और उसके बाद क्या करना होगा, मुझे बी की वैल्यू को भी यहीं पर डिस्प्ले करना है। तो उसके लिए क्या करना होगा, जावा में बेसिकली क्या होता है, जब अपन प्रिंट मेथड को आप देखेंगे तो आपको दिखाई दे रहा है कि प्रिंट मेथड क्या कर सकता है, एक वक्त पे या एक समय पे एक ही तरह की वैल्यू को डिस्प्ले कर सकता है। मीन्स आप एक ही क्या कर सकते हैं, सिंगल आप यहाँ पे आर्गुमेंट पास कर सकते हैं। ओके, इट मीन्स क्या करना होगा, जावा का जो प्रिंट मेथड है वो एक समय में एक इंटीजर को डिस्प्ले कर सकता है, एक फ्लोट को, या ठीक है, या फिर एक स्ट्रिंग को। तो ऑप्शन क्या है आपके पास, आप क्या करना, क्या करें कि जो आपके एक साथ जब आप किसी पर्टिकुलर नंबर ऑफ वेरिएबल्स की वैल्यूज को या डिस्प्ले करना चाह रहे हैं, या स्ट्रिंग के साथ आप वैल्यू को डिस्प्ले करना चाह रहे हैं, तो आप सिंगल स्ट्रिंग उसके लिए प्रिपेयर कर रहे हैं। और वो कैसे होगा, कॉन्केटिनेशन से, या स्ट्रिंग को जोड़ना बेसिकली। तो यहाँ पर मैं प्लस का साइन यूज करूंगा, यहाँ पर एक ब्लैंक स्ट्रिंग मैंने ऐड किया है, देन मैं वेरिएबल नेम बी यूज कर रहा हूँ। तो बेसिकली हो क्या रहा है, यहाँ पर क्या कॉन्सेप्ट वर्क कर रहा है, जब a प्लस दैट इज कॉन्केटिनेट, एक तरीके से जो स्ट्रिंग है वो क्या हो रही, कंबाइन हो रही, ऐड हो रही है, ठीक है। बीच में एक ब्लैंक स्ट्रिंग है और फिर से क्या है, आपका जो वेरिएबल नेम b है वो मैंने लिखा है। तो a और b जो है बेसिकली वो अपनी अपनी वैल्यू से रिप्लेस हो जाएंगे और वो एक सिंगल स्ट्रिंग की फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएंगे, और प्रिंट मेथड क्या करेगा, इस पूरी की पूरी स्ट्रिंग को एक साथ डिस्प्ले कर देगा। सो इसे सेव करते हैं और एग्जीक्यूट करते हैं। ओके, तो जैसा कि आपको अब भी आउटपुट एज इट इज नजर आ रहा, जैसा कि पहले था, एज प्रीवियस 120 देन 900। मान लीजिए कि वैल्यूज में कुछ इस तरीके से डिस्प्ले करना चाह रहा हूँ, ए इक्वल्स टू देन ए का वैल्यू हो, देन बी इक्वल्स टू देन उसका वैल्यू हो। तो ए इक्वल्स टू एक स्ट्रिंग है, फिर उसका ए का वैल्यू आएगा, और फिर बी इक्वल्स टू एक स्ट्रिंग है, फिर बी का वैल्यू डिस्प्ले होगा। तो कुछ बदलाव इस तरीके से होंगे, यहाँ सबसे फर्स्ट में ही क्या होगा, ए इक्वल्स टू क्या है, एक टेक्स्ट है, वो एक स्ट्रिंग के फॉर्म में होगा। देन यहाँ पर क्या होना चाहिए, ए की वैल्यू डिस्प्ले होनी चाहिए। तो जब रन टाइम पर ये एग्जीक्यूट होगा तो उस केस में क्या होगा, ए अपनी वैल्यू से रिप्लेस हो जाएगा। ओके, और जो फर्स्ट वन ए इक्वल्स टू है वो क्या है, एज इट इज डिस्प्ले होगा, क्योंकि वो क्या है, स्ट्रिंग है। देन क्या आपको ऐड करना है, बी इक्वल्स टू एक स्ट्रिंग, और उसके बाद किस वेरिएबल की वैल्यू डिस्प्ले होनी चाहिए, बी की। तो इस तरीके से आप लिखेंगे ओके, कंट्रोल एस, और फिर से इसे एग्जीक्यूट करेंगे, तो आपको दिखाई दे रहा है आउटपुट में ए इक्वल्स टू 120 एंड बी इक्वल्स टू 900। ओके, सिमिलरली आप स्लैश एन का यूज भी कर सकते हैं, जैसा कि आप सी लैंग्वेज में करते हैं, ठीक है। तो यहाँ स्ट्रिंग के अंदर जब भी स्लैश एन और जो आपके कैरेक्टर्स हैं, न्यू लाइन कैरेक्टर्स, टेब है ना, स्लैश टेन का यूज करना है, वो हमेशा स्ट्रिंग के अंदर होगा। तो फॉर एग्जाम्पल मैं बी इक्वल्स टू जो बेसिकली वैल्यू है वो नेक्स्ट लाइन में डिस्प्ले होना चाहिए, तो बी से जस्ट बिफोर मैंने किसका यूज किया है, स्लैश एन का। ओके, नाउ मैं फिर से इसे एग्जीक्यूट करूंगा, सेव कर रहे हैं, कंट्रोल एस, और फिर से उसे आप एग्जीक्यूट करेंगे, आपको दिखाई दे रहा है आउटपुट, आपको दिखाई दे रहा होगा ए इक्वल्स टू 120 देन बी इक्वल्स टू 900 नेक्स्ट लाइन में आपको डिस्प्ले हो रहा है। ओके, जावा में आप स्लैश एन का अगर आप यूज नहीं करना चाहते हैं, तो जो प्रिंट मेथड का ही दूसरा वर्जन है, दैट इज प्रिंट एलएन। ओके, आप उसका यूज कर सकते हैं, जो कि क्या करता है, आपका जो कर्सर है, ओके, जब ये पर्टिकुलर स्ट्रिंग को ये डिस्प्ले कर देगा, व्हाटएवर ये मैसेज को,
उसके बाद ये कर्सर को ऑटोमेटिकली कहाँ लेकर जाएगा, नेक्स्ट लाइन पर। लेकिन उसके लिए क्या करना होगा, मुझे अभी एक और मुझे स्टेटमेंट लिखना होगा, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट, ओके। और इसमें मुझे किसकी वैल्यू डिस्प्ले करानी है, बी की वैल्यू, ओके। तो मैं यहाँ से इसे कंट्रोल एक्स और यहाँ मैं क्या कर रहा हूँ, कंट्रोल वी, ओके। और ये प्लस का साइन मुझे हटाना होगा क्योंकि अंत में या लास्ट में कोई भी स्ट्रिंग नहीं है। तो फर्स्ट वन जो प्रिंट एलन मेथड है वो क्या डिस्प्ले कर रहा है, ए इक्वल्स टू देन ए का वैल्यू होगा, देन नेक्स्ट लाइन हो जाएगा, देन बी इक्वल्स टू जो बी का वैल्यू है वो वहाँ पर डिस्प्ले हो जाएगा, ओके। कंट्रोल एस फिर से अपन एग्जीक्यूट करेंगे। तो जैसा कि आपको आउटपुट नजर आ रहा है, फिर से सेम आउटपुट, ए इक्वल्स टू 120, देन क्या हुआ, कंट्रोल कहाँ चला गया, जो आपका एक जो कैरेक्टर है बेसिकली नेक्स्ट लाइन पर, और फिर बी इक्वल्स टू जो बी का वैल्यू है वो डिस्प्ले हुआ। तो जो स्ट्रिंग है वो बेसिकली कैसे काम करता है, प्रिंट के अलग अलग वर्जन है। प्रिंट एक वेरिएबल की वैल्यू को डिस्प्ले कर सकता है जो कि एक इंटीजर है या फ्लोट टाइप का वेरिएबल है, लेकिन अगर एक से ज्यादा वेरिएबल को एक साथ डिस्प्ले करना है तो उन्हें क्या करना होगा, कॉन्केट करना होगा, ओके। एक तरीके से उसका स्ट्रिंग प्रिपेयर हो रहा है और उसके बाद वो डायरेक्टली क्या हो रहा है, प्रिंट मेथड के थ्रू डिस्प्ले हो रहा है। तो प्रिंट मेथड क्या कर सकता है, स्ट्रिंग को भी क्योंकि डिस्प्ले कर सकता है, वो पहले स्ट्रिंग प्रिपेयर हुआ और उसके बाद वो डिस्प्ले हुआ।